स्वागत है आपका। आप देख रहे प्राइम टीवी में गिरती लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन देने में अमेरिका से आगे निकला भारत, विश्व में पहले नंबर पर पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया डेटा। नहीं थम रही पेट्रोल डीजल की कीमतें, आज पेट्रोल में 35 पैसे तो डीजल में 28 पैसे का इजाफा। यूपी में 8 जुलाई तक नहीं बढ़ेंगी बिजली की कीमतें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैफिक बदलने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन, कई सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत तय। भारत के अगले नक्शे के मामले में ट्विटर इंडिया ने एमडी मनीष माहेश्वरी की बड़ी मुश्किलें, केस हुआ दर्ज। तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा कैबिनेट के चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट का लिखित निर्णय उपलब्ध होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके अध्ययन के बाद सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। कैबिनेट ने कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था। ये यात्रा उन 3 जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए शुरू की जा रही थी जहां चारधाम यात्रा स्थित है, जहां पर चारधाम स्थित है। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से यात्रा शुरू करने को लेकर कार्य योजना की जानकारी मांगी है। तो चारधाम यात्रा पर रोक हाईकोर्ट द्वारा भी लगाई गई है, कार्य योजना की जानकारी मांगी गई है। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ विनोद संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। विनोद, मैं आपसे आना चाहूंगी, रोक लगा दी गई है क्योंकि मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन वही लगातार नैनीताल हाईकोर्ट ये भी चिंता जाहिर करता रहा है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है और समय नहीं लगाएगी तीसरी लहर आने में, तो क्या लगता है? जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर नया मोड आ गया है और नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट के चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देगी। मैं इस आपको बता दूं, इसके लिए हाईकोर्ट का लिखित निर्णय उपलब्ध होने पर का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के कम होते ही मामलों को देखते हुए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय उत्तराखंड तीर्थ सरकार ने लिया था और यह यात्रा उन 3 जिलों में इसके स्थानीय निवासियों के लिए शुरू की जा रही थी जहां चारधाम स्थित है। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से यात्रा शुरू करने को लेकर कार्य योजना की जानकारी मांगी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मानक प्रचलन कार्यविधि SOP तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए चारधाम शुरू करने के लिए कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि इसी व्यवस्था को रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने SOP जारी करने में देरी कर दी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर जाएगी सरकार, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता का चयन तो लटक ही गया, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी पेच फंस गया है। विधायकों के 2 खेमों में बंटने से सोमवार रात्रि दिल्ली में कांग्रेस के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित वार रूम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। विधायकों के एक खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को बदलने की मुहिम भी तेज कर दी है। रार बढ़ने पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नेता प्रतिपक्ष पद पर फैसला लेने को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष पर किसे विराजमान किया जाए कांग्रेस में, इसको लेकर रार लगातार जारी है। अब सोनिया गांधी इस पूरे फैसले पर निर्णय लेंगी।
नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में घमासान। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में ही राड चल रही है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? दूसरा हरीश रावत जी का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दोनों गुटों की आपस में बन नहीं पा रही है, जिसे लेके फैसला अभी तक जो है अब सीधा सोनिया गांधी जी पे छोड़ दिया गया है कि वहीं दिल्ली से फैसला आएगा कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि करण मेहरा जी जो सबसे आगे हैं, क्योंकि जो उप नेता प्रतिपक्ष है वो रानीखेत के विधायक ही है और कहीं ना कहीं उनका नाम भी जो है चर्चा में बहुत आगे चल रहा है। और दूसरा नाम देखा जाए तो केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी का भी चल रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखे जा सकते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है किस बात को लेकर कांग्रेस के दो खेमे बट गए हैं, कौन सी वो बात है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, बता दो आपको, दो पक्ष देखा जाए तो एक पक्ष जो है प्रीतम सिंह जी का, दूसरा पक्ष देखा जाए तो हरीश रावत जी का है। कहीं ना कहीं दोनों गुटों में आपस में एक मंथन नहीं हो पा रहा है कि किस चेहरे को, क्योंकि इंदिरा हृदयेश जी एक बहुत बड़ा चेहरा थी कांग्रेस का, जो नेता प्रतिपक्ष का थी, वो हमेशा जो रही है नेता प्रतिपक्ष एक साफ सभी की रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है दो खेमों में बढ़ चुकी है कांग्रेस और इन खेमों में आपस में ही नहीं सुलझा पा रहे हैं कि किसे नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बनाया जाए। इसी को लेकर जो है बात अभी तक दिल्ली तक नहीं बन पाई और अब जो है विधायकों ने, जो सारे विधायक हैं, उन्होंने फैसला यह कर दिया कि अब सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही फैसला देंगे कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में भी बात नहीं बनी, नेता प्रतिपक्ष कुर्सी पर किसे बैठाया जाए इसको लेकर लगातार रार बन रही है और आपस में फैसला नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब किया गया कि ताकि अब आखिरी निर्णय वही ले। कोरोना जैसी भयानक बीमारी का प्रकोप कई जिलों पर देखने को मिला, एक बार दूसरी लहर ने सबको कैद कर दिया था, लेकिन अब जब दूसरी लहर शांत हो गई है तो चीजें भी अनलॉक होने लगी है। इसी क्रम में कॉर्बेट पार्क पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, पर्यटकों की आमद को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने यह निर्णय लिया। कॉर्बेट पार्क मई में सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था, अब कोरोना के मामले कम होने पर कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क खोलने का निर्णय लिया है। तो जिम कॉर्बेट पार्क एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 280 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,739 हो गई है, इसमें से 3,24,529 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,294 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,092 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कोरोना के मामले जो है वो घट रहे हैं, लेकिन इस वक्त कितने कंटेनमेंट जोन रह गए हैं उत्तराखंड में? कीर्ति, में आपको बता दूं कि अब न केवल कोरोना के नए मामले बल्कि मौत के मामले में भी लगातार कमी आई है। सोमवार को 120 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। देहरादून जनपद में 2 और पौड़ी जनपद में 1 मरीज के नए इलाज के दौरान दम तोड़ा है और अब तक उत्तराखंड में 280 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है, जिसके बाद रिकवरी रेट 90.52% पहुँच गई है। वही सक्रिय मामले भी घटकर 2,294 पहुंच गए हैं। कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि अब तक उत्तराखंड में कोरोना के 3,39,739 मामले आए हैं, जिनमें 3,24,529 लोग भी स्वस्थ हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना मृत्यु दर राज्य के लिए चिंता का सबब बन रही है और राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 7,092 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना मृत्यु दर 2.09% है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम आ रहा है, वैसे वैसे कंटेनमेंट जोनों की संख्या में भी उसकी संख्या भी घटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना से संपूर्ण उत्तराखंड में राहत दिखती नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार केसेस में कमी दर्ज की जा रही है, 120 केसेस 24 घंटे में सामने आए, हालांकि तीसरी लहर को चिंता भी लगातार बनी हुई है। हरिद्वार के मेला प्रशासन में तैनात वरिष्ठ लेखाकार संजय शर्मा की ब्लूटूथ हेड डिवाइस फटने से उनकी मौत हो गई। उनका
उनकी मौत से उनके साथी कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सिचकुल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनके परिजनों ने बताया कि ब्लूटूथ हेड डिवाइस फटने की वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। जिनकी डेथ हुई हमारे अकाउंट्स में काम करते थे, ही वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर, और लगातार अभी भी जो कुंभ खत्म होने के बाद जो भी अकाउंट की प्रक्रिया थी उसमें वो लगे हुए थे, दिन रात अपने कर रहे थे। तो जो उनकी डेथ हुई है उसमें तो अभी पोस्टमार्टम होगा, उसी रिपोर्ट के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस वजह से हुई है। ऑल्दो उन हमारे कुंभ के जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, जितने कर्मचारी हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा उनकी फैमिली के साथ, और हम कोशिश करेंगे उनकी। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के महज कुछ ही दूरी पर गंग नहर में कुछ बच्चों की मौत की खौफनाक छलांग लगाते दिखाई दिए। मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बन इसका खूब लुफ्त उठाते रहे। वहीं स्थानीय पुलिस भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देने को तैयार है। बताया जा रहा है कि यहां पर आए दिन डूबने की मौतें होती हैं, उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इस तरह की छलांग लगाकर कृत्य करते नजर आए। रुद्रप्रयाग की भटवाड़ी गांव के पूर्व सैनिक व वन सरपंच की कड़ी मेहनत से 25 सालों से बंजर पड़ी जमीन अब फिर से आबाद होने जा रही है। ये अपने आप में सराहनीय पहल है। हम आपको बता दें कि तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बंजर जमीन पर हरे भरे पेड़ तैयार हो रहे हैं, और ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण भी है। ये सब मुमकिन हो पाया है भटवाड़ी गाँव के लोगों द्वारा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लोग अपने गाँव घरों में जहाँ छुप गए थे, तो वहीं भटवाड़ी गांव के लोगों ने कुछ करने का ठाना। उन्होंने एक नई सोच के साथ इलाके की बंजर जमीनों को आज हरा भरा कर दिया है। दिल्ली से देहरादून तक बने नेशनल हाईवे पर लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे के आला अधिकारियों के साथ हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड के नासन बॉर्डर तक एक्सीडेंटल जोन के ब्लैक स्पॉट का दौरा किया। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि परिवहन विभाग के साथ पुलिस विभाग और नेशनल हाईवे से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ ब्लैक स्टाफ का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करने के बाद सभी विभाग के अधिकारी नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट को कैसे कम कर सके इसी बारे में विचार विमर्श करेंगे। हल्द्वानी में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। महज डेढ़ घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों को भारी जलभराव से लैस कर दिया। जलभराव से पैदल चलने और वाहन चलाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले नगर निगम शहर की चौक नालियों को साफ करने और जलभराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहा था, लेकिन आज मानसून के दौरान हुई केवल डेढ़ घंटे की बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। मुखानी, लालठांग और बरेली रोड पर भारी जलभराव हुआ। कई जगह पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। जलभराव की जहां तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जलभराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जलभराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उस पर उसकी कार्ययोजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के। रुड़की जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पति ने गृह कलेश के चलते पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद युवक ने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पत्नी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि दादूबास गाँव के रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी रविवार को खेत पर काम कर रहे थे। खेत से शाम को वापस लौटने के बाद शाम को किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे, तभी रमेश ने पत्नी पर चाकू से हमला बोल दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद खुद जहर खा लिया। गौरतलब है कि 2011 में नरेश अपने पिता की गोली से मारकर हत्या कर चुका है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधम सिंह नगर जिले के पंत नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के एक युवक पर दूसरे समुदाय की युवती को भगाने का आरोप लगा है। युवती के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में
जांच के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गुमशुदा युवती को भी बरामद किया गया। आरोपी युवक लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के हाथीखाना का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हिंदूवादी नेता कमल मुनि के नेतृत्व में पंतनगर थाना पहुंचे दर्जनों हिंदूवादी नेताओं ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष मदन मोहन जोशी ने बताया कि बीते 26 जून को नगला निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए गुमशुदा युवती को लालकुआ निवासी एक विशेष समुदाय के युवक के साथ बरामद कर लिया है। हम लगातार निरंतर कहते हुए आ रहे हैं, लव जिहाद के नाम से ये आतताइयों के द्वारा हमारी हिंदू बहन बेटियों को भगाने का काम निरंतर चल रहा है, और जिसमें ये फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग तरीक़ों से सोशल मीडिया से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के रूप में फंसाने का काम कर रहे हैं, और हम निरंतर इस चीज़ के लिए संघर्षरत रहते हैं। और आज ऐसा ही एक प्रकरण आया लालकुआ का, एक लड़के के द्वारा, मुस्लिम लड़के के द्वारा जो है ऐसे आतताई के द्वारा हमारी हिंदू बहन को लव जिहाद के नाम से फंसाने का काम किया गया। आज उसको लेकर गए तो हमें जैसे ही पता चला, हम सभी लोग मिलकर आज पंतनगर थाने में पहुंचे, जहां से पता चला कि इनके द्वारा उनको, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और दोनों को बरामद कर दिया गया है। ये 26 तारीख को नगला क्षेत्र में एक लड़की है जो बालिग है, वो उसकी गुमशुदगी उसके पिताजी द्वारा 26 तारीख को लिखाई गई है, थाना हजापर दर्ज की गई गुमशुदगी और उसकी जांच सब इंस्पेक्टर विपुल जोशी को दी गई, और जिसके बाद उस लड़की को हमारे द्वारा कल बरामद कर लिया गया है। और एक संप्रदाय, दो संप्रदायों का मामला है, इसलिए जो है इसमें जोशीमठ के परसारी में इन दिनों सुअरों के आतंक से लोग परेशान हैं। सुअर लोगों की जमीनों पर रहना मुश्किल कर रहे हैं। किसानों की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसको लेकर किसान परेशान है। किसान कई बार वन विभाग को सूचना भी दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक बुजुर्ग महिला वन विभाग के ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे, जिसके बाद बुजुर्ग महिला वहीं कार्यालय के बाहर लेट गई। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।